गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक इम्पॉर्टेंट इश्यू को आप लोग के बीच में क्लैरिफाई करवाऊंगा और एक करियर प्रोस्पेक्ट के रूप में जिस तरीके से एडटेक सेक्टर भारत में उभरा है, और इनफैक्ट मुझे भारत में नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए ग्लोबली एडटेक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस चीज को डिनाई करने में अब कोई सेंस नहीं है या कोई मतलब इसमें कोई अब लॉजिक नहीं है कि जो एजुकेशन का जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है ये डिजिटल माध्यम से अलग अलग रूप में लोगों तक पहुंचेगा और पहुंच रहा है, और इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो कोचिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रेनिंग सेगमेंट हो, चाहे वो ट्यूशन का सेगमेंट हो, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, स्किल सेगमेंट हो, स्किल एनहांसमेंट हो, या फिर जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, डिग्री कोर्सेज हैं, या फिर वैल्यू एडेड कोर्सेज जो होते हैं जो कि लोग अपने करियर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से करते हैं, एडवांस लेवल करियर कोर्सेज होते हैं, तो ये सारे ही सेगमेंट में मैं देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी एक इनेबलर के रूप में काम कर रही है और एडटेक के नए नए स्वरूप आ रहे हैं और पेडागॉजिकल इनोवेशंस जो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लोग अलग अलग तरीके से उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कोविड ने इन सारी प्रोसेस को बहुत एक्सेलरेट कर दिया और उसके बाद अभी एक दौर आया है जब ये सारी की सारी एडटेक कंपनियां अपना एक ऑफलाइन वर्जन लॉन्च करने के लिए, ये जो पुराने ऑफलाइन प्लेयर्स हैं उनसे कम्पीट करने के लिए उनके सेगमेंट में एंटर कर रही हैं, और वहीं जो पुराने ऑफलाइन प्लेयर्स हैं वो अपना एक ऑनलाइन वर्जन तैयार कर रहे हैं। इस सब के बीच में जो एक आईटी का स्टूडेंट है या जो एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट है उसके लिए एडटेक क्षेत्र में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है, करियर अपॉर्चुनिटीज है, और ये सेक्टर किस तरफ किस दिशा में बढ़ रहा है। तो अमन, तुम्हारा बैच कौन सा था? 2014-17 बैच तुम्हारा रहा है। तो कोर्स क्या था तुम्हारा? BCA। ठीक है, तो तुम BCA के स्टूडेंट रहे हो और शुरुआत तुमने उस समय ICICI बैंक से करी थी। मुझे लगता है कि 2017 में अगर मैं याद कर रहा हूँ तो उस साल विप्रो में हायरिंग हुई थी लेकिन कम हुई थी, क्योंकि उसके पहले साल 2016 में विप्रो पटना आने से मना कर दी थी, और 2016 के बैच के बच्चों को मैंने भुवनेश्वर भेजा था, और क्योंकि वो पटना नहीं आ रही थी तो भुवनेश्वर में जा करके वहाँ पे हायरिंग हुई थी, और ट्रंप के आने के कारण उस साल बहुत कम हायरिंग हो रही थी पूरे इंडिया में, लेकिन 2016 में भुवनेश्वर में हमारे बच्चे हायर हुए थे, और चूंकि वो हायर हुए तो HR बोला कि नहीं, भुवनेश्वर के साथ साथ पटना भी आना होगा। उस 17 में विप्रो आई थी, तो तुमने लेकिन ICICI बैंक चूज किया था। तो लेट्स स्टार्ट कि तुम्हारा ICICI बैंक के बाद का जो सफर है हम वहाँ से शुरू करते हैं, तुमने कहाँ मूव किया था? ICICI बैंक में सर ने अबाउट 9-10 मंथ ही काम किया। एक्चुअली सेल्स वहाँ मेरे लिए एक मतलब एक अर्निंग लर्निंग दोनों मिला मेरे को, क्योंकि कस्टमर सर्विस में बैंकिंग क्रेडिट कार्ड के लिए हम लोग काम करते थे। देन 9 मंथ वहाँ काम किया, उसके बाद जस्ट उसी के बगल में ही मेरे को पता चला यस बैंक का इंटरव्यू चल रहा था, तो मैं इंटरव्यू तो वो लोग इम्प्रेस इसलिए क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस सेल्स ओरिएंटेड ज्यादा था ICICI बैंक में। तो हम लोग का जब बैच गया था, आई रिमेम्बर सर कि नियर अबाउट 40 स्टूडेंट्स उस समय गए थे ICICI बैंक मुंबई के। हाँ, रवि रंजन राठौड़ था तुम्हारे साथ में, दीपक, विशाल, रोशन, बहुत सारे बैच। मोना थी, प्रियंका भारती थी। हाँ, प्रियंका भारती राइट, कोटक में अभी है वो, कोटक में। हाँ, उसके बाद हम लोग वो इंटरव्यू, वहाँ सिलेक्शन हो गया, मेरे को सैलरी भी कुछ हाइक मिल गई और पता चला कि इंसेंटिव अच्छा है सर। तो फिर मैंने वहाँ छोड़ के ज्वाइन कर लिया। मैंने तो नियर अबाउट 2 साल दिया यस बैंक को, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ इंसेंटिव भी किया, वन ऑफ द टॉपेस्ट परफॉर्मर था पूरे। अच्छा।
के लिए है। क्या 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 वहाँ पर तुम किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे? मेरा सर बैंकिंग प्रोडक्ट था, तो बेसिकली हम लोग डील करते थे बैंक क्रेडिट कार्ड पे, पीएल पे, एलआईजीआई प्रोडक्ट था, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस, तो और उसमें ईएमआई भी था क्रेडिट कार्ड को लेके और कार्ड अपग्रेड का मेन फैसिलिटी था। तो उस समय यस बैंक कमर्शियल लोन के सेक्टर में बहुत हाई था, 2017-18 में वो लोग अच्छा कंपनी लोन्स बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन पे ज्यादा बिलीव करते हैं। हां, राणा कपूर का जो पूरा एपिसोड जो खैर बाद में निकल के आ ही गया बाद में, क्योंकि हाँ बाद में लोग का आउटकम भी नहीं निकला, कलेक्शन भी खराब था जिसके कारण बैंक का रेपुटेशन डाउन भी हो। तो उस समय 2 साल टोटल काम किया, उसमें एक फॉर्चुनेट एक ऑप्शन भी मिला मेरे को, 200 एग्जीक्यूटिव में से मेरा सिलेक्शन हुआ था। वहाँ के चीफ रिस्क ऑफिसर मिस्टर धवन थे, उसका नाम के साथ कॉफी पीने का, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉय पूरे उस थाने के ऑफिस से जिसमें से मैं सिलेक्शन होके गया। यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है बीकेसी बांदाकुला कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे जाके फिर सर से मिला था, इनफैक्ट और डिस्कशन भी 15-20 मिनट हुई थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप, क्या बात सीखने को मिला। फिर यस बैंक छोड़ा सर 2 साल बाद, फिर पता चला बायजूस के बारे में, वो फिर 7+3 का पैकेज। अच्छा, तो आजकल के वन ऑफ द मोस्ट हेटेड जॉब में आता है, और फ्लिपकार्ट से भी ऑफर मिला हुआ है उसको, तो उसने बोला कि सर ये बैजूस का इंटरव्यू है, कुछ क्वेश्चंस आप बता दीजिए जो इम्पोर्टेंट हो। हम बोले तुमको जरूरी है कि तुम हर इंटरव्यू दो ही हाँ। तो मैं somehow उस जॉब प्रोफाइल को बहुत अप्रिशिएट नहीं कर पाता हूँ जो मैंने कुछ बच्चों से बातचीत सुना। ऐसे तो उस जॉब में भी लोगों ने कमाया और आज भी कमा रहे हैं। आज भी पैसा तो बहुत, हाँ आज भी कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन हर कोई का टेम्परामेंट उस जॉब को या उस जो एक कल्चर जो बन गया, जिसको कई बार लोग कहते हैं थोड़ा टॉक्सिक कल्चर है, हाँ उसको लोग बहुत अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो फिर आ गया, फिर कलकत्ता मेरी पोस्टिंग हुई सर, बायजूस के लिए ट्रेनिंग कलकत्ता में ही हुई, 4-5 महीने कलकत्ता में काम किया। और बीइंग अ बेस लोकेशन पटना, वो लोग बोले कि आप पटना मूव ऑन कर जाओ, कि ज़्यादा रेवेन्यू पटना में देते हैं। तो वो फर्स्ट लॉकडाउन 2021 मार्च, तो लॉकडाउन में फुल्ली का क्या है कि पहले हम लोग डीएस करते थे डायरेक्ट सेल्स, जो घर पे जाके बच्चों को अकाउंट नहीं करना फिर बेचना, वो कम्प्लीटली शट हो गया। और वो लोग क्या बोले कि बस आप लोग को कॉलिंग पे ही और वीसी पे ही जो भी है रेवेन्यू जनरेट करना। तो एक चीज सीखने को मिला कि जो 2.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस था कस्टमर एग्जीक्यूटिव का, वो मेरे को बहुत हेल्प किया वहाँ पे, जहाँ पे मैं जो डील करता था एस एम एस क्लाइंट के साथ क्रेडिट कार्ड का, तो सेम थिंग मेरे को हेल्प किया यहाँ पे कॉलिंग नियर अबाउट। और वो लोग क्या किए कि उस समय अल्टीमेटली क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली टारगेट भी बढ़ा दिए कि इतना क्वालिफाई करने पे ही आपको बीडीए रोल दिया जाएगा, एक तरह का क्या है कि रिसेशन ही टाइप का उन्होंने प्लान किया। बट सेल्स तो सर मेरे लिए शुरू से ही, इनफैक्ट स्टार्टिंग से ही सेल्स में मैं अपने आप को अच्छा माना। जो ICICI का जो बैकग्राउंड मिला था जी, वहाँ पर तुमको कुछ ट्रेनिंग मिली होगी और हाँ वो तुम्हारे लिए जरूर, क्योंकि तुम प्रॉपरली तुम आईटी फील्ड के व्यक्ति रहे। हाँ, और मैं क्या देखता हूँ कि जो जॉब सिक्योरिटी जो है वो जिस तरीके से ICICI बैंक में बच्चों को मिली या जो उनको कम्फर्ट मिला और जो पॉलिसी की लोग तारीफ करते हैं वहाँ की, कई बार जिनसे भी बात करता हूँ वो तारीफ मुझे कभी बैजूस के लिए सुनने को नहीं। मैनेजर प्रमोट हुआ, मैनेजर के बाद मेरे को BDTM प्रोफाइल मिला ट्रेनिंग मैनेजर का, तो 1 महीना काम किया, देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी विद एक्स्ट्रा मार्क्स पटना में रिटेल सेल्स मैनेजर। तो मैंने फिर एक्स्ट्रा मार्क ज्वाइन कर लिया, एक्स्ट्रा मार्क्स में अबाउट 11-12 मंथ के आसपास काम किया, और कुछ दिन पहले ही अब शायद पता चला 20th of this month मैंने इंटर पैन इंडिया B2C एक्स्ट्रा मार्क्स में शट डाउन कर लिया, B2B पे ही फोकस कर।
अच्छा, उन्होंने अपना B2C ऑपरेशंस जो है वो बंद कर दिया है। बंद कर दिया है तो बीच में ही एक साल मैंने फिर से बायजूस में मार्केटिंग का ऑप्शन मिला मेरे को, तो लास्ट एक साल से मैं बायजूस में भी हूं सब मार्केटिंग मैनेजर का रोल बीटीसी ऑफलाइन। यू आर बैक टू बायजूस? या राइट अगेन। बीच में तुम जो अभी अपग्रेड में गए थे? अपग्रेड में सर 7 से 8 महीना लॉकडाउन में काम किया था, ज्यादा नहीं। अच्छा, सीखने को बहुत कुछ मिला सर अपग्रेड में। सीखने को बहुत कुछ मिला जी सर, वहाँ पे रियली प्रोफेशनल लोग से डील करना को अच्छा खासा सा 6 से 7 मंथ का टेन्योर रहा और कम ही था। तो देखो, टॉकिंग अबाउट बायजूस, बायजूस अभी बहुत टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी कुछ उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, काफ़ी सारे केस एनालिसिस किए जा रहे हैं और ये अपने आप में एक लाइव केस है क्योंकि ये एक तरह से फ्लैग बियरर है एडटेक सेक्टर का इंडिया में, सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वैल्यूएशन इरोड भी हुई है तो सबसे ज़्यादा अभी बायजूस में हुई है। इस बारे में कोई ऑथेंटिक फिगर इसलिए नहीं क्योंकि अब कोई नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग अभी इधर में हाल के दिनों में हुई नहीं है। नहीं, अभी आई है 250 मिलियन। हाँ, तो वो थोड़ा सा पीछे से कमी वैल्यूएशन पर आ रही है, थोड़ा डाउन तो है। हाँ, क्योंकि पहले बहुत वैल्यूएशन बढ़ गया था और एक टाइम पर मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस हिसाब से इसको वैल्यू किया जा रहा है और बहुत कैश स्ट्रेंथ आ गई थी और फिर बहुत कैश बर्न भी हुआ। हाँ, इनफैक्ट आज भी बड़े से बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस चीज को रैशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि जिस समय बायजूस का सबसे बड़ा ग्रोथ पीरियड था उस पीरियड में बायजूस ने अपना सबसे बड़ा लॉस रिपोर्ट किया। तो ये सारे इश्यूज जो है आई डोंट नो, तुम उन सेगमेंट्स में हम लोग बात करने के लिए तुम अभी अलाउड हो भी कि नहीं हो, तो हम लोग उसको छोड़ के चलते हैं। हम लोग इस बारे में बात जरूर करना चाहेंगे कि ये एडटेक सेक्टर जो है इसमें जो एक इंस्टेबिलिटी अभी दिखाई पड़ रही है, अगर अभी देखा जाए तो भारत में जो भी एडटेक कंपनियां हैं उनमें थोड़ी इंस्टेबिलिटी भी दिख रही है, या फिर तुम अगर मार्केट प्लेयर्स के बारे में अगर बात करने में थोड़े कम्फर्टेबल हो तो जैसे मैं अनअकैडमी को देखता हूँ या फिर मैं फिजिक्स वाला को देख रहा हूँ तो ये लोग जो है एक अपना हाइब्रिड मॉडल को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और वहीं बायजूस भी काफी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड प्रेजेंस आकाश के थ्रू बना पा रहा है। नहीं सर, बायजूस का अपना भी ऑफलाइन सेंटर आ चुका है, आई एम वर्किंग फॉर दैट, मैं उन्हीं के लिए काम करता हूं। जो उनका जो एक कोचिंग सेगमेंट उन्होंने लाया है स्कूल कोचिंग सेक्टर में, राइट सर, 4 टू 10 के बच्चों के लिए और 11 12 के 12 के लिए बेसिकली अभी आकाश के स्थान पे। हां, तो बट क्या आकाश का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है नीट के मार्केट में, मेडिकल कोचिंग के मार्केट में, राइट, और बायजूस ब्रांड जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है स्कूल कोचिंग के मार्केट के लिए। हाँ, K-10 सेक्टर में, K-10 सेक्टर जिसको आप कह लो। लेकिन जो बायजूस का जो प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है वो आज भी उनका ऑनलाइन एजुकेशन जो टैब है, तो उस प्रोडक्ट का ग्रोथ क्या दिख रहा है, किस तरह से हो रहा है? सर, हाइब्रिड मॉडल में जो इन्होंने लॉन्च किया, एक साल पहले BTC मॉडल में जो आए थे बायजूस ट्यूशन सेंटर के नाम से, तो बेसिकली यहाँ पे इट्स अ टोटली ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल में जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन का मिक्सचर है एंड इट इज गोइंग ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ था। अभी इस बार 10th का बैच पास आउट, फर्स्ट बैच पास आउट हुआ है, तो इसमें से रिजल्ट भी अच्छा है कि इनफैक्ट बिहार से ही बात करूँ तो 98-99% बच्चों ने स्कोर किया है रिजल्ट ओरिएंटेड। अच्छा, और मैं जहाँ काम करता हूँ सर RPS मोड के लिए, तो पटना का वन ऑफ द पॉश अगर एरिया बात करूँ तो वन ऑफ द पॉश एरिया, राइट, यहाँ पे अगर कस्टमर फीडबैक बोलो तो इट इज आउट ऑफ 10 इज 8.8 सर, अभी हमारा फीडबैक जो है ऑल ओवर इंडिया में है तो इट्स गुड सर, ऑफलाइन में अच्छा कर रहा है। बट इस फिनोमेना के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? हमें जो एडटेक वाले थे, जो ऑनलाइन वाले थे, वो अपने आप को ऑफलाइन प्रूफ करने में लगे हुए हैं और जो ऑफलाइन वाले प्लेयर हैं वो ये बताने में लगे हुए हैं कि हमारा ऑनलाइन भी है। सर, अगर बीइंग अ पेरेंट्स अगर इसमें देखें तो 2-3 चीज है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बात करें तो देखिए पहले क्या था कि मतलब हम लोग के टाइम पर जो एजुकेशन था कि वो ट्यूशन टीचर ही जाके पढ़ रहे हैं, डाउट भी अच्छा मिल जाता था, बट क्या होता था कि वहाँ पे एक गैदरिंग ज़्यादा हो जाती थी सर, 1000-2000 बच्चों के बीच में वो डाउट नहीं मिल पा रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई
इनफैक्ट बच्चे भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। और पहले का क्या था सर, किसी भी एक्स वाई जेड कोचिंग की बात करूं, 1000 में 10 का रिजल्ट देना इज नॉट अ बिग डील, राइट। तो तुम अब हम स्टूडेंट्स के पॉइंट से बात करते हैं, जो सिमेज के स्टूडेंट्स एडटेक सेक्टर में कौन कौन से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और कौन कौन से जॉब प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं, किस तरह का सैलरी रेंज वो उम्मीद कर सकते हैं कि वो 1-2 साल 3 साल के अंदर में कमा सकते हैं, और उनको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अभी एडटेक में बोले तो सर सेल्फ मार्केटिंग सबसे कम सेक्टर, यही दो चीज है जो एडटेक को सबसे अपलिफ्ट करता है। सबसे पहला चीज आता है सेल्स पुल और रेवेन्यू जनरेट मॉडल। यहाँ पे अगर प्राइमरी अगर कन्विंसिंग अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो पैसा ला सकता है कंपनी में, उसकी कदर होगी। एग्जैक्टली राइट, वही जो है उसकी वैल्यू होगी, राइट सर। मैंने तो दोनों डोमेन में काम कर लिया है, सेल्स भी काम कर लिया था, मार्केटिंग में भी 1 साल कम्प्लीट होने के। और ये जो एजुकेटर के रूप में जो रिक्वायरमेंट रह रही है, उसको तुम किस तरह से देख रहे हो? सर अगर बात करूँ तो अभी ऑफलाइन में जैसे हमारे वैकेंसी अभी भी हैं सर, और जो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स एक्सपीरियंस अप्लाई करते हैं, तो इनके लिए भी एक अच्छा है फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी। जो मैं देख रहा हूँ कि पैकेज भी काफ़ी हाई हो जा रहा है, और फिर जो ऑनलाइन जो वर्टिकल है वहाँ पर कुछ टीचर जो कि स्टार टीचर बन जाते हैं, जिनका फेस वैल्यू और जिनका स्टाइल ऑफ टीचिंग लोग लाइक करते हैं, उनके लिए तो अर्निंग के लिए स्काई इज द लिमिट, राइट राइट। इनफैक्ट आपने कुछ दिन पहले सुना ही होगा सर, पटना के वन ऑफ द एक दो फेमस टीचर्स, नाम नहीं लूंगा उनको भी, मैं तो लाइक करता हूँ, खान सर को बहुत लाइक करता हूँ, राइट, उनको भी हाई डिमांड गया था, एक कोटेशन भी गई थी, इनफैक्ट अनअकैडमी नहीं किया था सर, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया सर। 112 करोड़ कितना करोड़ का था, हाँ राइट। और अपने इलाहाबाद के अलग पांडे जो है, उनकी कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो आज 10,000 करोड़ 9,000 करोड़ हो चुका है, राइट। इसलिए अगर आप एक बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी का एक बड़ा समुद्र जो है वो सामने है, जो जितना चाहे वो उतना अपने आप को विस्तारित कर सकता है। है सर स्काई में दो तीनों, अगर तीनों सेक्टर में बात करें, एजुकेटर्स एज अ सेल्फ मार्केटिंग, तो अर्निंग के लिए तो बहुत। एक सेक्टर में देखता हूँ वो है जो प्लेटफॉर्म्स को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए जो टेक जो बैकबोन है, वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है। प्रोबेबली हो सकता है कि वहाँ पर नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट लिमिटेड होगी, लेकिन टेक बैकबोन में भी लोगों की आवश्यकता है, लेकिन पेइंग कैपेसिटी अच्छी है सर वहाँ पे, ज्यादा है। प्लस एक कंटेंट राइटर, कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट एनिमेटर, ये सब प्रोफाइल भी, और वीडियो एडिटर वगैरह, ये सब तो प्रोफाइल है, इसमें भी काफी रिक्वायरमेंट्स आई हुई है। इसको मैं एक बहुत बड़ा सेगमेंट देख रहा हूँ अभी, अगर किसी के पास वीडियो स्किल्स है, प्रोडक्शन एडिटिंग की सर, राइट, वीडियो एडिटिंग और डिस्प्ले करना, बहुत सारे अब तो अलग अलग कैटेगरीज हो गए हैं उसको, एनिमेशन और एडिटिंग, एनिमेशन, राइट, इनमें बहुत डिमांड मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इस पर अभी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। मैं खुद भी सिमेज का जो एडटेक वर्जन प्लान आउट कर रहा हूँ, वहां पर हमको कंटेंट क्रिएटर्स और जो अच्छा टेक्स्ट, अच्छा कंटेंट लिख सकते हो, इस तरह के इम्पोर्टेंट करता है। हाँ। किसी भी कोर्स के लिए कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है, कंटेंट राइटर्स, ये सारे सेगमेंट जो है, मतलब सेल्स मार्केटिंग ऑब्वियसली इज वन इम्पोर्टेंट वर्टिकल, वो फेस है, लेकिन जो मैं दूसरे से वर्टिकल देखता हूँ, एजुकेटर, कंटेंट क्रिएटर, वीडियो एनिमेशन क्रिएटर, वीडियो क्रिएटर्स एंड देन टेक बैकबोन, तो ये पूरे के पूरे वर्टिकल्स जो हैं वो एडटेक में आ रहे हैं। तो चलो बहुत अच्छा लगा अमन, तुम रुकोगे, मैं तुमसे अभी थोड़ी बातें और करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन द मीन टाइम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करता हूँ।